श्रीमद भागवता अर्थानाम आस्वादो रसिकेश, भागवत का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना चाहिए, चाहे क्लास से क्लास में सुने या रिकॉर्डिंग सुने, कैसे भी सुने। चैतन्य जब सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं श्रीमद भागवत अर्थानाम आस्वादन, अभिज्ञ रसिक भक्तों के संग में आके भागवत के श्लोकों को खोल खोल के अन्वय करके हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं के सहायता से पढ़ना, इसको कहते हैं भागवत पढ़ना। कि हमारे आंदोलन में ऐसे कई संत महात्मा हैं, गुरु हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, अनेक जगह पे ये सब पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ मंदिर में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत की पढ़ाई होती है, तो वहाँ विद्यार्थियों को खोल खोल के टीकाओं से, आचार्यों से सब बहुत विश्लेषण करके व्याख्या किया जाता है। तो हम जो पढ़ लेते हैं वो तो एक रेंडमली पढ़ाई हो जाती है, एक बार तो हो जाना चाहिए, पर आचार्यों के सहायता से अगर हम श्लोकों को विश्लेषण करके पढ़ते हैं तो फिर उसमें हम डूब जाते हैं। अर्थात आस्वादन, आप प्रभु यही चाहते थे, भागवत की स्टडी ऐसा है।